हेलो स्मार्ट लर्नर्स, आई एम बैक विद अनदर अमेजिंग वीडियो। कैसे हैं आप सभी? आई होप यू ऑल आर डूइंग सेफ एट योर होम। तो आज के वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस को ऐड और सब्ट्रैक्ट कैसे करते हैं, इतने बड़े बड़े एक्सप्रेशंस को भी हम ऐड और सब्ट्रैक्ट करना सीख लेंगे। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना। चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और दूसरों के साथ शेयर कर दीजिए। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन के एडिशन और सब्ट्रैक्शन को करने के लिए सबसे ज्यादा सिंपल होते हैं मोनोमियल्स, यानी कि सिर्फ एक टर्म वाले एक्सप्रेशन जिन्हें हम ऐड करते हैं, तो ये बहुत सिंपल होते हैं। तो स्टार्टिंग में हम से मोनोमियल्स को ऐड करना सीखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने एक एग्जाम्पल लिखा हुआ है, ऐड 3x एंड 4x। सबसे पहले जब भी आपको किसी एक्सप्रेशन के ऐड करने को आए, सब्ट्रैक्ट करने को आए, तब आपको ये ध्यान देना है कि वो एक्सप्रेशन लाइक टर्म्स हैं या नहीं। यहाँ पे लाइक टर्म्स का मतलब आपको पता है, ये लाइक टर्म्स मतलब वेरिएबल्स और जो पावर्स होती हैं वो सेम होती हैं, तब वो दोनों लाइक टर्म्स कहलाते हैं। इसमें देखिए, यहाँ एक्स है और यहाँ भी एक्स है, यानी कि ये लाइक टर्म्स है, लेकिन यहाँ होता है एक्स वाई, तो ये हो जाती है अनलाइक टर्म्स। और अनलाइक टर्म्स कभी भी ऐड और सब्ट्रैक्ट नहीं हो सकती, हमेशा लाइक टर्म्स ही ऐड होती है और सब्ट्रैक्ट होती है। मैंने मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन की बात नहीं करी, अभी मैं सिर्फ एडिशन और सब्ट्रैक्शन की बात कर रही हूँ, ठीक है। अब ऐड 3x एंड 4x, तो इसे अपन इसमें लिख लेते हैं एक्सप्रेशन में, 3x प्लस 4x, है ना, अपने को ऐड करना है ऐसे। अब हमें पता है कि 3x का मतलब क्या है, 3 into x। जब भी कोई साइन नहीं होता तो हम उसे मल्टीप्लाई मान लेते हैं, तो ये हो जाएगा 3 into x और ये क्या है, 4 into x। तो अपन इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, 3 into x प्लस 4 into x, है ना, यही तो मतलब हुआ। अब x दोनों में आ रहा है तो x अपन एक कॉमन ले सकते हैं, x कॉमन लेते हैं, यहाँ भी x है यहाँ भी x है, तो सिर्फ एक x दोनों के लिए कॉमन ले लेते हैं, तो ये हो जाएगा 3 plus 4 into x। ये हमारी डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ है, राइट। अब 3 plus 4 पहले कर लो, कितना हो गया, 7 into x, यानी कि 7x आ गया हमारा आंसर। हाँ, इतना आसान। अब ये तो मैंने आपको लॉन्ग मेथड बताई, लेकिन मैं इसे ऐसे भी कर सकती थी। सबसे पहले हमने देखा ये लाइक टर्म्स है, तो भैया चलो ऐड करते हैं। सबसे पहले कोफिशिएंट को ऐड कर लो, 3 plus 4 7, और x एक लगा लो तो 7x। शॉर्टकट, ये मैंने आपको समझाने के लिए किया है, आप ऐसे भी कर सकते हो और वो शॉर्टकट से भी कर सकते हो। ध्यान दें, आ गया हमारा एग्जाम्पल नंबर 2। तो यहाँ लिखा है सब्ट्रैक्ट 4n फ्रॉम 8n, तो इसे अपन एक्सप्रेशन में लिख लेते हैं। क्या मैं इसे ऐसे लिखूंगी? नहीं, ये है सब्ट्रैक्ट 4n फ्रॉम 8n, यानी कि 8n में से हमें 4n को सब्ट्रैक्ट करना है, तो इसे अपन लिखेंगे ऐसे, 8n माइनस 4n, ठीक है। अब ये हमने लिखा तो इसमें भी बिल्कुल एडिशन जैसा ही है, इसे अपन लिख सकते हैं 8 into n, इसे अपन लिख सकते हैं 4 into n, ये हो जाएंगे माइनस, ये फिर हो जाएगा 8 plus 4 8 minus 4, माइनस का ध्यान रखना आपको, 8 minus 4 into n, 8 minus 4 हो गया 4 into n, यानी कि 4n। अब मैंने इतना लंबा किया है, इसे अपन ऐसे कर सकते हैं 8 minus 4 और n कॉमन ले लिया, तो 4n आंसर आ गया, ठीक है। तो ये थे दो एग्जांपल सब्ट्रैक्शन और एडिशन के। अब हम देखते हैं कि जनरल एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस, यानी कि बड़े बड़े एक्सप्रेशंस को हम कैसे चुटकियों में। तो यहाँ मैंने एक बाइनोमियल का एग्जांपल लिया है, यहाँ दो एक्सप्रेशन दी हुई है, 3x plus 11 8 और 7x minus 5 8। अब इन दोनों एक्सप्रेशन को हमें ऐड करना है, ठीक है। तो इसे अपन एक एक्सप्रेशन के फॉर्म में लिख लेते हैं, 3x plus 11 plus 7x minus 5। अब यहाँ पर यहाँ ब्रैकेट सबसे पहले हमें खोलना पड़ेगा, लेकिन यहाँ पे प्लस है तो ये अंदर जाएगा तो कुछ चेंज नहीं होगा, तो हमारा आंसर ब्रैकेट खोलने पे क्या आएगा, वही साइन रह जाएंगे, +7x - 5, ठीक है। अब हमें क्या करना है, सबसे पहले जब भी आपको ऐसा आए, आप
वो लाइक टर्म्स को एक तरफ कर लेना है, बाकी जो भी है उसे एक तरफ कर लेना है। यहाँ पे लाइक टर्म्स कौन कौन सी है, यहाँ भी x है और यहाँ भी x है, यानी कि ये दोनों लाइक टर्म्स हुई, तो हमें एक तरफ इन्हें कर लेना है। 7x का साइन क्या है, प्लस, तो यहाँ आ जाएगा प्लस 7x, ठीक है। अब बाकी को एक तरफ कर देना है, ये माइनस साइन है तो यहाँ माइनस आएगा और यहाँ 5, ठीक है। अब क्या करना है, सबसे पहले ये जो लाइक टर्म्स है ऐसे ऐड कर लेते हैं, 3x plus 7x, 3 plus 7 कितना होता है 10, और xx आ जाएगा तो ये आ जाएगा 10x, और फिर इन दोनों को ऑपरेशन परफॉर्म कर लेते हैं, माइनस है तो इन दोनों को माइनस कर दो, 11 minus 5 कितना होता है 6, तो साइन किसका लगेगा, बड़े वाले का, तो ये आ जाएगा प्लस 6, ठीक है। तो ये आ गया हमारा आंसर। अब इससे नीचे क्या कुछ सिंप्लीफाई हो पा रहा है, कुछ नहीं हो पा रहा, क्योंकि ये दोनों अनलाइक टर्म्स आ गई, तो बस यही हमारा आंसर आ गया, ठीक है। तो ये था एग्जांपल नंबर 3, मैंने सब्ट्रैक्शन का एग्जांपल ले लिया है, सब्ट्रैक्ट a माइनस बी फ्रॉम 3a माइनस बी प्लस 4, तो यहाँ पर इसको इससे सब्ट्रैक्ट करना है, तो अपन कैसे लिखेंगे, ऐसे, इसे अपन ब्रैकेट में लिख लेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर सबसे पहले ब्रैकेट खोलना है, बाहर माइनस है तो वो अंदर जाएगा तो पूरे साइन बदल देगा, यानी कि ये हो जाएगा प्लस और ये हो जाएगी माइनस। चलिए फिर ब्रैकेट को खोलते हैं, ये आ गया हमारा ब्रैकेट खोलने के बाद आंसर, माइनस ए प्लस बी, यहाँ माइनस था, ठीक है। तो ये हो गया, अब हमें क्या करना है, पहले तो माइनस बी है और यहाँ प्लस बी है, तो प्लस माइनस, माइनस यानी कि बी माइनस बी हो जाएगा, तो बी से बी तो कट, बी तो गए। अब पहले हम लाइक टर्म्स को एक साइड करते हैं, 3a माइनस ये a है और ये भी a है, तो यहाँ a लिख सकते हैं और यहाँ प्लस कर फ्लो 4 कर दो, a का मतलब अब इसके आगे तो कोई कोफिशिएंट नहीं है, तो सिंगल मतलब 1, अब इसका कोफिशिएंट 1 है क्योंकि इसके आगे कुछ लिखा नहीं है, ठीक है। अब 3a माइनस 1 कितना हो जाएगा, 3 माइनस 1 हो जाएगा 2 और a आ जाएगा और ये प्लस 4, तो प्लस 4 ही आएगा, आ गया हमारा आंसर। बस इसके आगे कुछ हो रहा है, कुछ सिंप्लीफाई हो रहा है, कुछ नहीं हो रहा, तो बस यहीं पर हमारा आंसर आ, ठीक है। तो अब आते हैं जॉइंट एक्सप्रेशंस, इतने बड़े बड़े एक्सप्रेशंस को अपन सॉल्व करेंगे, उसके लिए थोड़ा पेशेंस की जरूरत पड़ती है, तो वॉच द वीडियो टिल द एंड। एग्जांपल नंबर 4, सिंप्लीफाई, यहाँ ना एडिशन का दिया है ना सब्ट्रैक्शन का दिया है, अभी हमें जो भी दिया जा रहा है वो ऑपरेशन हमें परफॉर्म करके आंसर लाना है, सिंप्लीफाई मतलब छोटे से छोटा आंसर लाना है, ठीक है। चलिए तो सबसे पहले लाइक टर्म्स को कलेक्ट करते हैं, 12m2, अब यहाँ m स्क्वायर वाला कुछ दिख रहा है, ये रहा 4m2, इसका साइन क्या है माइनस, तो यहाँ आएगा माइनस 4m2, ठीक है। अब और कुछ तो नहीं दिख रहा, अब mm वाले कलेक्ट कर लेते हैं, 9m माइनस 9m प्लस 5m माइनस 7m प्लस 10, ठीक है। तो ये कर लिया हमने लाइक टर्म्स को कलेक्ट, अब करते हैं लाइक टर्म्स को ऐड, 12m2 माइनस 4m2, तो 12 माइनस 4 कितना होता है, 12 माइनस 4 होता है 8 और m स्क्वायर आ जाएगा, 1 ही आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे माइनस 9m प्लस 5m, तो यहाँ प्लस थोड़ी ना करना है, माइनस माइनस प्लस माइनस, तो यहाँ करना है अपने को माइनस 9 माइनस 5 होता है 4m, तो इसका तो आ गया 4m, लेकिन साइन किसका लगेगा, बड़े वाले का, तो माइनस 4m, ठीक है। तो ये आ गया हमारा आंसर माइनस 4m, लेकिन एक और हमें m वाला दिख रहा है, तो इसको इसके साथ हमें ऑपरेशन करना पड़ेगा, ये माइनस है ये भी माइनस है, तो माइनस माइनस प्लस, तो 7 प्लस 4 कितना हो जाएगा, 7 प्लस 4 हो जाएगा 11, साइन लगेगा बड़े वाले का यानी कि माइनस का, क्योंकि 7 के साथ माइनस का साइन है, तो माइनस 11m प्लस 10 भी तो बच गया, तो 10 को एज इट इज नीचे उतार लेंगे, अब इससे ज्यादा कुछ सिंप्लीफाई हो नहीं रहा है, सो इट इज आवर आंसर, ठीक है। तो ये था आज का वीडियो, आई होप आपको ये
वीडियो पसंद आया होगा, बहुत मेहनत लगती है वीडियो बनाने में, तो डोंट फॉरगेट टू गिव अ थम्स अप एंड सब्सक्राइब टू स्मार्ट लर्निंग फॉर सच वीडियोस. ऑल्सो शेयर विद ऑल ऑफ योर फ्रेंड्स टू हेल्प अदर्स एंड चेक द डिस्क्रिप्शन बिलो. ऑल द प्लेलिस्ट लिंक्स आर इन द डिस्क्रिप्शन. सो या मीट यू ऑल इन द नेक्स्ट वीडियो. टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय.